तरुण को चैती दुर्गा पूजा के पर्व राजनीति से प्रेरित होकर या वोट बैंक की राजनीति या तुष्टिकरण की राजनीति से इसको प्रभावित करने का प्रयास राज्य में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा पर्व है, ये आपका पर्व है। सभी लोग सड़क पर उतरेंगे, अपने पर्व को मनाएंगे और खुद ही खुद ही घर जाएंगे। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए श्री महावीर मंडल रांची के सभी पूर्व अध्यक्षों, पूर्व मंत्रियों का और जो लाइसेंसधारी अखाड़ा है जिसका नेतृत्व हम लोग करते हैं, जिसके नेतृत्वकर्ता हम लोग बने हुए हैं, और साथ ही साथ मीडिया के साथियों का और जो लोग शहर में रामनवमी के दिन, सरहुल के दिन स्टॉल लगाकर धूप में इंतजार करते हैं, घंटों और जुलूस का स्वागत करते हैं, वैसे लोगों का श्री सनातन महापंचायत के नेतृत्व में श्री दुर्गा मंदिर ट्रस्ट में आप लोगों को खबर हम लोग कर देंगे। समय का एक विशाल और भव्य स्वागत समारोह होगा, सम्मान समारोह होगा, क्योंकि जिन लोगों ने हम लोगों को रामनवमी को सौंपा है तो हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि आने वाली पीढ़ी को हम लोग उचित स्वरूप में उस चीज को देने का काम करें। और कल सरहुल के अवसर पर सनातन महापंचायत के लोग सड़कों पर हमारे जो सरहुल की शोभा यात्रा निकलती है विभिन्न इलाकों से, उसका हम भरपूर स्वागत करेंगे। किराए लाल पे हम लोग रहेंगे भी, और जब तक उनका सारा मुख्य जुलूस पार नहीं होगा हम उनके साथ नाचेंगे, गाएंगे और एक साझा संस्कृति जो पूरे भारत के पहचान है उसको हम लोग राजधानी में भी जीवंत करने का काम करेंगे। और ये मैसेज देंगे उन लोगों को कि किसी भी पर्व त्यौहार में हमारे प्रदेश का जो वातावरण है बहुत ही सौहार्दपूर्ण है और एक अच्छे वातावरण में ये तीनों पर्व बीतेगा। उसके लिए महापंचायत के सभी साथी लगे हुए दिन और रात, और कहीं कोई परेशानी नहीं होगी ऐसा हम लोगों का मानना है। हम लोग दिन और रात अखाड़ों का भ्रमण कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको पुरस्कार दे रहे हैं, उनको तलवार दे रहे हैं, इसीलिए उनको झंडा दे रहे हैं कि अपनी परंपरा से जोड़ के रखें और अपने पर्व को बचा के रखें।